चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल किसानों से आज मुलाकात करेगा, तो नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल किसानों से मुलाकात करेगा, जहां सपा प्रतिनिधिमंडल स्थानीय नेताओं के साथ यूपीएसआईडीसी पहुंचकर किसानों से बात करेगा। तो आज दोपहर 12 बजे कहा जा रहा है कि ट्रांस गंगा सिटी में ये मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की ट्रांस गंगा सिटी परियोजना के लिए अधिकृत की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हजारों किसानों ने रविवार को भी विरोध प्रदर्शन किया और रविवार को ट्रांस गंगा सिटी परियोजना के सब स्टेशन के बाहर सामान को लेकर नाराजगी भी जताई है। तो किसानों ने आग के हवाले वहां पर सामान को कर दिया है। तो किसानों का जो उग्र प्रदर्शन है और उसी को लेकर आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। 12 बजे बताया जा रहा है कि 12 बजे मुलाकात होगी, जहां पर किसानों से बातचीत की जाएगी। तो ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट को लेकर किसानों की जो जमीन सरकार के जरिए ली गई थी उसके उचित मुआवजे को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और ऐसे में जब शासन प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि उचित मुआवजा दिया जा चुका है और अब कुछ बकाया मुआवजा है ही नहीं, तो ऐसे में किसान विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। और अब सपा का प्रतिनिधिमंडल आज इन किसानों से मुलाकात करेगा।